हमारे लिए हाइजीन कितना जरूरी है ये बात हमें कोरोना टाइम में पता चल गया था। और जो लोग वीक में 2 दिन नहाते थे वो भी कोरोना के बाद अब रोज नहाने लगे हैं। मगर हाइजीन के सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने टॉवल पर, क्योंकि नहाने के बाद भी टॉवल का इस्तेमाल होता है और मुंह धोने के बाद भी, और ऐसे में टॉवल को क्लीन रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। मगर ये आपको पता है हमें अपने टॉवल को किस टाइम और कितनी बार धोना चाहिए? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं टॉवल को धोने का सही तरीका क्या है और हमें कितने इस्तेमाल के बाद टॉवल को धो देना चाहिए। तो हाइजीन एक्सपर्ट की माने तो अगर आप दिन में एक बार नहाते हैं आपको टॉवल 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब कि हर तीसरे दिन उसको धोकर सुखा देना चाहिए। और अगर आप दिन में 2 बार या उससे ज्यादा नहाते हैं तो आपको हर दूसरे दिन उसको धो देना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो बैक्टीरिया और कई सारे फंगल वायरस हमारे हाथों के अलावा स्किन पर भी रह जाते हैं, जो हमारे बॉडी से टॉवल में आ जाते हैं। और गंदे टॉवल का इस्तेमाल करने से स्किन इन्फेक्शन, रैशेस और एक्जिमा जैसे बीमारियों को होने का खतरा रहता है।